एक टीवी शो के सेट पर पहुंचे वरुण और श्रद्धा। श्रद्धा और वरुण ने शो की कास्ट को दिया मुकाबला चैलेंज। इस वीक रिलीज हो रही है वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D। ऐसे में जहां इस फिल्म की स्टार कास्ट जोर शोर से फिल्म के प्रमोशंस में बिजी है, वहीं रिसेंटली वरुण और श्रद्धा अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे एक पॉपुलर टीवी शो के सेट पर। बेसिकली आज गोकुलधाम सोसाइटी में सहज और इनायत आए हैं एंड हम लोग जो स्ट्रीट डांसर का स्वैग है वो ये सोसाइटी में लेके आए, क्योंकि सबको पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में दे लव डांसिंग और बहुत धमाल होता है। एंड मैं पहली बार आ रही हूँ तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतनी पॉपुलर है ये सोसाइटी और मेरी मॉम भी बहुत एक्साइटेड थी कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बहुत सुपर है, एक जेठालाल का सिग्नेचर स्टेप है वो भी हम लोग ने किया, जो डॉक्टर हाथी के साथ और उसके उनके फैमिली के साथ नाचे, हम लोग पोपट लाल के साथ नाचे, तो बहुत अच्छा लगा। मैं ये शो बचपन से देखे आ रहा हूँ एंड दिस इज़ माई 3rd टाइम और या के सोसाइटी मेरे परिवार की तरह है, सो इट वाज नाइस टू कम एंड सी ऑल ऑफ देम अगेन। हाँ नहीं, बस वरुण भाई तो जब भी आते हैं बहुत मज़ा आता है, श्रद्धा जी पहली बार आई हैं तो दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत और बहुत ही क्यूट दोनों लग रहे हैं और दोनों इतने डाउन टू अर्थ है कि हम सबको बहुत मज़ा आया, ऐसा ही लगा जैसे वो तारक मेहता की टीम के ही एक्टर्स हैं। आप जैसे देख ही रहे हैं हमारे सेट पे वरुण धवन और श्रद्धा कपूर आए हैं स्ट्रीट डांसर फिल्म के प्रमोशन के लिए और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हमें सरप्राइज़ मिला है क्योंकि हमें नहीं पता था, मतलब गोकुलधाम निवासियों को ये पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं और वो लोग आए हैं और अचानक से बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है और बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ शूट करने का। उन दोनों का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल है और बहुत मज़े कर रहे हैं हम लोग सुबह से भी, सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, शाम के 5 बजने आए और बहुत मज़ा कर रहे हैं और थरली वी आर एंजॉइंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म एज वेल। यहाँ वरुण और श्रद्धा के साथ ही मलंग एक्टर आदित्य रॉय कपूर को भी स्पॉट किया गया। दरअसल आदित्य इस टीवी शो के शूटिंग सेट के पास ही शूट कर रहे थे और जब उन्हें पता चला कि दूसरे सेट पर वरुण और श्रद्धा आए हुए हैं तो वो यहाँ पहुँच गए। वेल, आदित्य की इस विजिट के बाद ये खबर आने लगी कि आदित्य ने यहाँ सिर्फ वरुण से मीटिंग की और अपनी आशिकी 2 को स्टार को निग्लेक्ट कर दिया, लेकिन सोर्सेस की माने तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वरुण, श्रद्धा और आदित्य ने वैनिटी में एक दूसरे से खुलकर बातचीत की थी। आपको बता दें कि आशिकी 2 की रिलीज के वक्त आदित्य और श्रद्धा के एक दूसरे को डेट करने के रूमर्स सामने आए थे, लेकिन दोनों ने हमेशा से एक दूसरे को डेट करने की बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया, जिसके बाद आदित्य और श्रद्धा के ब्रेकअप की रिपोर्ट्स भी सामने आई, पर दोनों ने ही इस पर कभी भी कोई कमेंट नहीं किया। फिलहाल आदित्य रॉय कपूर मलंग के प्रमोशंस में बिजी हैं। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 फरवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ दिशा पाटनी, कुणाल खेमू और अनिल कपूर काफी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वॉच ईटाउन न्यूज मंडे टू फ्राइडे एट 9:30 PM ओनली ऑन जूम।